वेलकम टू प्रॉपर इनसाइट्स। प्रॉपर इनसाइट्स की जानिब से मैं हूं आपके होस्ट बीना, मौजूद हूं आज हमारे सीनियर रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर दानिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो नाज़रीन, आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ यहां पे डिस्कस करेंगे। आपने हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ में बहुत ये चीज़ें सुनी हैं कि मेन सुपर हाईवे पे जो है वो कराची शहर एक्सपेंड होता चला जा रहा है, लोगों की आबादी जो है वो कराची शहर में अब 1 करोड़ नहीं रही, 3 करोड़ को जा तक पहुँची है, और लोग जो है अपनी जो रिहाइश पसी वो मेन सुपर हाईवे की तरफ उनका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बहुत बातें कर ली, अब हम आज बात करेंगे कमर्शियल की, कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का क्या फ्यूचर है अगर हम मेन सुपर हाईवे को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट मिस्टर दानिश के साथ। जी सर, बताइए हमें कि कमर्शियल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जो हमारी कमर्शियल प्लॉट्स में जो सरमायाकारी करते हैं लोग, मेन सुपर हाईवे पर उनका क्या फ्यूचर है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला है 1:3 रेशो का। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको मिलता है सिर्फ 1 रुपए का फायदा, लेकिन अगर आप किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 3 रुपए का मुनाफा होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सुपर हाईवे पे, तो सुपर हाईवे पे आजकल के ज़माने में जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आने वाले वक्त का जो फ्यूचर है वो सिर्फ सुपर हाईवे है। यहाँ पे अगर आप सोसाइटीज़ देखते हैं तो बहुत तेज़ी से भेरिया टाउन हो गया, ASF सिटी हो गया, इंडस इंक्लेव हो गया, DHA सिटी हो गया, ये लोग एक ऐसी सोसाइटीज़ बना रहे हैं जिसमें आपका रेसिडेंशियल, कमर्शियल, आपकी सारी एक्टिविटीज़ एक सोसाइटी के अंदर हो रही हैं। तो उधर अगर आप एक कमर्शियल प्लॉट लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, जो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देके जाएगा। अच्छा सर, अभी जैसे कि मलिर एक्सप्रेसवे की जो बुनियाद रखी गई है तो इससे भी डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है इसका, ऐसा ही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मलिर एक्सप्रेसवे का अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे लियारी एक्सप्रेसवे पिछले 6-7 साल पहले बना और अभी तक वहाँ लोग यहाँ से अगर नॉर्थ आज़माबाद गुलशन से वहाँ लियारी एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं और सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप क्लिफ्टन या DHA बहुत आसानी पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर आप शहर के बीचों बीच जाते हैं तो वही सफ़र आपको 1 घंटे का हो जाता है। इसी तरह मलिर एक्सप्रेसवे जो डिफेंस फेस 8 से चढ़ेगा और मेन सुपर हाईवे को टच करेगा, जिसमें आपकी DHA सिटी, ASF सिटी के इंटरसेक्शन भी मौजूद हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो DHA गुलशन और कोरंगी वगैरह से मलिर एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे वो सिर्फ 1/2 घंटे के अंदर मेन सुपर हाईवे पे खड़े हुए होंगे। ये लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आने वाले वक्त में मलिर एक्सप्रेसवे आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा सर, यहाँ पे मिनिमम अगर मैं कमर्शियल प्लॉट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप कम से कम कितनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, कमर्शियल प्लॉट की अभी जिस तरह चल रहा है एक प्रोजेक्ट ASF सिटी, ASF सिटी में अभी जो कमर्शियल प्लॉट हैं वहाँ पे 3 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, 100 गज, 133 गज और 200 गज। ASF को मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके प्राइजेज अभी अप्रैल या मई में रिवाइज होंगे। बहुत सारी सोसाइटीज़ के पैसे ऑलरेडी रिवाइज हो चुके हैं, वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुँच चुकी हैं। ये एक ऐसी वाहिद सोसाइटी है जो अभी प्री लॉन्च फेज़ में ही चल रही थी और अभी इसके प्राइस रिवाइज होने वाले हैं। तो अभी जिन लोगों का इरादा है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने का, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अभी इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप 100 गज, 133 गज या 200 गज लेते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसमें यह है कि आप ग्राउंड प्लस 4 तक बना सकते हैं उसमें। दूसरा, आपको अभी एक ईजी इंस्टॉलमेंट पर वो प्लॉट मिल जाएंगे बनिस्बत दूसरी सोसाइटीज़ के जो आपको वो लोग कैश पे दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए जो इरादा कर रहे हैं अपनी एंड यूज़र या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आज ही करें। पेमेंट प्लान की बात करते हैं कि आप क्लाइंट को कितनी फिजिबिलिटी दे सकते हैं? देखिए, इसमें अभी 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान आया है जिसमें आपके 100 गज के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी प्राइजेस स्टार्ट हो रही हैं 25 लाख रुपये से और 200 गज के कमर्शियल की प्राइजेस स्टार्ट हो रही हैं 50 लाख रुपये से। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि एक तो आपको 4 साल में एक ईजी इंस्टॉलमेंट करनी है, प्लस इस पर आप ग्राउंड प्लस 4 भी बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में यही प्राइस जो कि अभी आपको 25 लाख रुपए का एक 100 गज का प्लॉट मिला है, वो 4 साल के बाद कम से कम 45 से 50 लाख पे खड़ा हुआ होगा। तो ये एक डेफिनेटली सी बात है। तो अगर आप लोगों का इरादा है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अभी ASF सिटी के कमर्शियल में ही है। तो अब तक आपके पास कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, फिलहाल मैं रेजिडेंशियल की बात नहीं करी, कमर्शियल की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि मेन सुपर हाईवे पे क्लाइंट्स का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास? कमर्शियल इन्होंने लॉन्च किया था दिसंबर
दिसंबर में, और दिसंबर से लेके अब तक इनके 80% कमर्शियल सोल्ड आउट हो चुके हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था अपना सिविक सेंटर से, जो इनका मेन कमर्शियल हब है, जिसमें 100% सारे प्लॉट्स 100 गज़ 200 गज़ बिक चुके हैं। अभी हमारे पास थोड़ी बहुत जो अवेलेबिलिटी है वो आपके डिफरेंट रेजिडेंशियल ब्लॉक्स के अंदर है। उसके अलावा आपको ये मिल जाएगा कायद ब्लॉक के अंदर, जो कि 80 गज़ के प्लॉट्स जहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो अभी भी आपके पास एक कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको मेन एंट्रेंस से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर दानिश फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि मेन सुपर हाईवे सिर्फ 4 साल के आसान इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको अपना ज़ाती कमर्शियल प्लॉट मिल सकता है, जिसकी पोजीशन इंशाल्लाह आपको 2024 में हैंडओवर कर दी जाएगी। इसके अलावा भी हमारे कमर्शियल प्लॉट्स के मेन सुपर हाईवे बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं, इस हवाले से आपको किसी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे एक्सपर्ट मिस्टर दानिश से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर इनका नंबर मौजूद है। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे और हमारे एक्सपर्ट को इजाज़त। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।